स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एसपी का लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट. ओके, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का सेकंड पार्ट. कल हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने इक्विटी शेयर्स को कंप्लीट किया है. आज हम प्रेफरेंस से पढ़ने वाले हैं. ओके, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स हों, उन्हीं को प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है. और वो प्रेफरेंशियल राइट्स क्या हैं? टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी. मतलब कोई कंपनी है, वो अपनी लाइफ टाइम में ही रेगुलरली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, पेमेंट्स कर रही है, तो वो प्रेफरेंशियल राइट है प्रेफरेंस शेयर्स का. प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू रिटर्न ऑफ द कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी. अगर कोई कंपनी है वो वाइंड अप हो रही है या हो जाएगी, तो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर. ओके, द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायोरिटी टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड. एक तो इसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इस बात की प्रायोरिटी होती है इसे. कल बता चुका हूँ मैं, कई बार आया था, मैं इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस को काफ़ी आपको डिफाइन साथ के साथ भी कर रहा था, तो ये सारे पॉइंट वहाँ आ चुके हैं. द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट अ टाइम ऑफ इशू. मतलब जब आप शेयर्स को इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, तो उनका रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइडेड होता है, नंबर वन. नंबर टू, इसमें प्रायर राइट्स होते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलने के भी, और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड मिल जाता है इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. ओके, तो छोटा सा इंट्रो है डिफाइन के साथ. हम अब आएंगे फीचर्स के ऊपर. ओके, फीचर पॉइंट नंबर वन है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. वही जो पर मैं बता रहा था वही पॉइंट बना के फीचर में डाल दिया है. प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट. मतलब जब नेट प्रॉफिट किसी कंपनी का होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. ओके, द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. मतलब इक्विटी वालों को बाद में दिया जाएगा. पहला प्रेफरेंस जो पेएबल है डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है. नंबर टू, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस होता है इक्विटी के ऊपर. मतलब जो रिटर्न ऑफ कैपिटल कोई कंपनी करती है, ठीक है ना, या कोई कंपनी जब लिक्विडेट होती है, तो इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम कैपिटल लॉस. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न ऑफ कैपिटल होना ही होना है, और इसलिए उसको जो कैपिटल लॉस है उससे वो बच जाता है, ठीक है ना. इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम कैपिटल लॉस. फिक्स रिटर्न, दीज शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट. मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड होता है उसका रेट भी फिक्स्ड होता है. ओके, प्री डिटरमाइंड होता है एट द टाइम ऑफ इशू. पहले से ही पता होता है टाइम ऑफ इशू, जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तभी बता दिया जाता है कि भाई ये आपका रेट रहेगा. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट. ओके, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट. फोर्थ पॉइंट आ रहा है हमारा, नेचर ऑफ कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल. मतलब प्रेफरेंस वालों का कैपिटल कंपनी में परमानेंट नहीं है. मतलब जब चाहे अपना डिविडेंड अपने बेनिफिट्स के साथ अपना कैपिटल रिटर्न भी कर सकते हैं. जैसे इक्विटी का बताया था मैंने कि एक बार दे दिया तो जब कंपनी वाइंड अप होगी तब मिलेगा, वो भी प्रेफरेंस वालों को देने के बाद बचा तो मिलेगा. दे आर रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. रिडीम यानी रिटर्न बैक हो जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. कोई भी कंपनी को इस बात की अथॉरिटी नहीं है कि वो इररिडीमेबल शेयर्स को इशू करे. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ. कैपिटल एज अ रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट. ये काफ़ी सेफ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल काफ़ी सेफ होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपका रेट ऑफ डिविडेंड है और जो मार्केट वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है. फिफ्थ पॉइंट है हमारा मार्केट वैल्यू. द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज. ये चेंज नहीं होता है एज द रेट ऑफ द डिविडेंड पेबल टू देम इज़ फिक्स. क्योंकि उनका रेट
ऑफ डिविडेंड फिक्स है, दैट्स वाई ये चेंज नहीं होता. द कैपिटल अप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी लो एज कम्पेयर विद इक्विटी शेयर्स. हाँ, लेकिन जो कैपिटल अप्रिसिएशन आपने 13th पॉइंट पढ़ा था इक्विटी में, ओके, तो इसका जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो काफ़ी लो होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स. 6th पॉइंट है वोटिंग राइट्स. प्रेफरेंस शेयर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं राइट टू ऑफ कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. मतलब कंपनी के अफेयर्स यानी काम का जो रूटीन वर्क है या जो एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी है वो उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, वो कोई उनका कोई वोटिंग राइट भी नहीं होता है और वो कोई उसके ऊपर राइट को इंजॉय नहीं करते हैं, ना कोई कंट्रोल होता है. दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी. हाँ, उनको एक चांस में वोटिंग राइट होता है अगर कोई कंपनी डायरेक्टली अफेक्ट करती है उनके राइट्स को, यानी कोई राइट्स जो प्रेफरेंस वालों के हैं अगर कोई ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली उसको अफेक्ट कर रही है तो उसमें इनको राइट होता है वोट का. जैसे कि चेंज इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल या डिविडेंड पेबल टू देम आर इन एरियर्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा रिस्क. द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जर्नली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब जो लोगों को रिस्क नहीं लेना है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे रिस्क ना हो उसमें, मतलब मुझे मिले ही मिले, तो ऐसे इन्वेस्टर ज़्यादातर प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं. सेफ्टी ऑफ कैपिटल और स्टेडी रिटर्न की वजह से ये एडवांटेज है विद प्रेफरेंस शेयर्स ओनली. दीज शेयर्स आर बून फॉर शेयर होल्डर ड्यूरिंग डिप्रेशन. अगर कभी कोई डिप्रेशन पीरियड आ जाए, कोई मंदी वाला टाइप पीरियड आ जाए, ओके, तो उस टाइम पे ये शेयर्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं शेयर होल्डर को. वेन इंटरेस्ट रेट इज़ कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग, मतलब ऐसा कोई टाइम जब इंटरेस्ट रेट कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है, लेकिन प्रेफरेंस वालों को तो उसी फिक्स रेट पर मिलेगा जिसमें उन्होंने उसे परचेज किया था, तो इसलिए जो रिस्क है वो प्रेफरेंस शेयर वालों को ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स ये काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं. नेक्स्ट आ रहा है आपका फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज़ रिलेटिवली हायर. मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के जो फेस वैल्यू है वो रिलेटिवली एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर हायर होता है. मतलब वहाँ पर लिखा था ना 10 रुपीज़, इवन 1 रुपीज़, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 रुपीज़ नॉर्मली जो फेस वैल्यू इशू होता है, जो शेयर इशू होता है उसकी फेस वैल्यू 100 होती है. राइट और बोनस इशू. प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल फॉर राइट्स और बोनस इशूज. हमने इक्विटी में पढ़ा था ना कुछ राइट इशूज, कुछ बोनस शेयर्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसे कोई भी राइट्स कोई भी बोनस नहीं मिलता है. नेचर ऑफ इन्वेस्टर. प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट करता है उन इन्वेस्टर्स को जो मॉडरेट टाइप के होते हैं. मतलब मॉडरेट टाइप मतलब जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं मार्केट में, ओके, वो इन्वेस्टर जो थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, कॉशियस होते हैं, बड़े ध्यान से चलते हैं, यार नुकसान ना हो जाए, बस कुछ ना कुछ मिलता रहे चाहे कम मिले या जो भी मिले, और इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल, जो अपने कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं, एंड हु वॉन्ट स्टेडी रिटर्न. ओके, स्टेडी रिटर्न, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा रिटर्न मिले चलता है उन्हें. ऑन इन्वेस्टमेंट जर्नली परचेज प्रेफरेंस शेयर्स. तो ऐसे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. ओके, बहुत ही ईजी टॉपिक है. 8 टाइप्स होते हैं. पहला टाइप आ रहा है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स होते हैं ऑन विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग. ठीक है ना, इसमें आपका जो डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है अनटिल इट इज़ फुल्ली पेड. इफ़ द डिविडेंड इज़ नॉट पेड, अगर डिविडेंड पे नहीं किया गया किसी ईयर में तो इसको अनपेड डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है और ये फिर एक्यूमुलेट हो जाता है आने वाले साल के लिए. ओके, दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज़ पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म वेल. अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर ये एक्यूमुलेटेड डिविडेंड पे किया जाएगा. द एरियर्स ऑफ द डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर. मतलब पहले इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं देंगे,
जो भी एरियर्स है, एरियर्स यानी पेंडिंग, जो प्रीवियस चीज़ें पेंडिंग, उसे एरियर्स कहते हैं। तो जो भी डिविडेंड एरियर है, मतलब पुराना पेंडिंग है, प्रेफरेंस वालों को पहले दिया जाएगा और बाद में इक्विटी वालों को। ओके, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन विच शेयर्स डज नॉट गेट एक्युमुलेटेड। ऊपर क्या था, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसमें क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में हमारा शेयर एड अप हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। ओके, बट नॉन एक्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड ऑन दी शेयर डज नॉट गेट एक्युमुलेटेड, या एक्युमुलेट नहीं होता। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, मतलब जिस ईयर का प्रॉफिट है, सिर्फ उसी ईयर के प्रॉफिट से आपको डिविडेंड मिलता है। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। मतलब नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में अगर किसी साल डिविडेंड नहीं दिया गया तो फिर वो नेक्स्ट ईयर एक्युमुलेट नहीं होता है, इसलिए तो उसका नाम ही नॉन क्यूमुलेटिव है ना, वो लॉस्ट फॉर एवर हो जाता है, और क्यूमुलेटिव के अंदर वो एक्युमुलेट होता है और नेक्स्ट ईयर में एड अप हो जाता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, द शेयर होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड प्रेफरेंशियल डिविडेंड। The surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholder. मतलब जो surplus profit है, जो बचता है equity shareholder को देने के बाद, okay? तो ये distribute होता है to preference shareholder. तो ये आपका है participating preference shares. तो next आ रहा है non-participating. The preference shares are deemed to be non-participant if there is no clear provision in the article of association. अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस चीज़ के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है, तो these shareholders are entitled to fixed rate of dividend prescribed at the time of the issue. तो जब टाइम ऑफ द इशू होगा, जिस टाइम पर शेयर्स को इशू किया जाता है, उस टाइम पे रेट ऑफ डिविडेंड को फिक्स कर देंगे। फिफ्थ आ रहा है आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी वो शेयर्स जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर्स में, मतलब जो शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जिनको शेयर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जब टाइम ऑफ इशू पे आप शेयर्स परचेज करते हैं तो उसमें टाइप्स होते हैं कि कन्वर्टेबल आप ले रहे हैं या नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल लिया तो ये बेनिफिट है कि किसी भी ईयर के टाइम में या कभी भी आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल लिया तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, जो लिया है वही रहेगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? रिडीम का मतलब ही होता है रिटर्न बैक, किसी चीज़ का वापस मिलना। शेयर्स विच कैन बी रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, वो शेयर्स जो किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम होते हैं, वापस होते हैं, बैक होते हैं, प्लॉ बैक होते हैं। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथोराइज बाय द आर्टिकल इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर किसी कंपनी में वही बात है कि लिमिटेड, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अगर ऑथोराइज आर्टिकल करता है तो इशू कर सकता है वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को। ओके, शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें से रिडीम्ड होगा ओनली, और आउट ऑफ फ्रेश इशू, और एक नया इशू भी कर सकते हैं, फ्रेश इशू भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इररिडीमेबल मतलब शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल, भाई जो रिडीम ना हो वो इररिडीमेबल है। पेबल ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये कब पेबल है, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, एज पर द सेक्शन 551 ऑफ द कंपनी एक्ट ऑफ 2013, कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब सेक्शन 551 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहा है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग में ऊपर के इस पैराग्राफ को आप अभी, इसमें कोई नोट्स का पॉइंट नहीं आ रहा है, आप डिफाइन के बाद नीचे डिटरमिनेंट कर लें, शॉर्ट नोट के लिए इतना पॉइंट इनफ होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बिजनेस, वो प्रोसेस जिससे कॉर्पोरेट प्रॉफिट को एक्युमुलेट किया जाता है, जमा किया जाता है, और उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है बिजनेस में, इसे आप कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इन द सिंपल वर्ड, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट
जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है शेयर होल्डर को एज डिविडेंड, रिटेन्ड रख लिया गया है ओके बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड. द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन्ड अर्निंग इनटू परमानेंट शेयर. हाँ, लेकिन किसी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है रिटेन्ड अर्निंग को परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर. मतलब कोई कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग को बाय इशूइंग द बोनस शेयर कन्वर्ट कर सकती है परमानेंट शेयर्स में. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल. इससे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज होता है. इट इज़ अ सिंपल एंड चीपेस्ट मैथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस. ये सबसे ज़्यादा ईजी, सिंपल, सस्ता मैथड है. इट इज़ यूज बाय एस्टैब्लिश्ड कंपनीज. जो कंपनी एस्टैब्लिश्ड होती हैं वो इसे इशू करती हैं. इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ये एक अंदर से इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है ओके. तो इतना सब पार्ट लिखने के बाद रिटेन्ड अर्निंग जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी डिटरमिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप ये चार डिटरमिनेंट्स ज़रूर करेंगे और ऊपर जो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है या नोट्स के पॉइंट्स मार्क करके दिए, आप उससे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेंगे. पहला डिटरमिनेंट आ रहा है टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी. इफ देयर इज अ एम्पल प्रॉफिट, अगर किसी कंपनी के पास बहुत एम्पल मतलब लार्ज प्रॉफिट है, तो वो सेव और रिटेन कर सकता है सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट. कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट को सेव कर सकता है, रिटेन कर सकता है. मोर द अर्निंग, जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी कैन सेव मोर, उतना ज़्यादा आपका सेविंग भी मोर होगी. एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है. सेकेंड पॉइंट है टैक्सेशन पॉलिसी. द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट भी डिटर्मिनेंट ऑफ कॉरपोरेट सेविंग है ओके. मतलब अगर टैक्स ज़्यादा हाई रेट के होंगे तो कंपनी कैन नॉट सेव मच ऑफ द प्रॉफिट. मतलब अगर टैक्सेस ज़्यादा हैं, हाई रेट के हैं, तो फिर कंपनी ज़्यादा सेविंग ऑफ प्रॉफिट नहीं कर सकती है. तो एक डिटर्मिनेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जो है वो है टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन क्या है. थर्ड है हमारा डिविडेंड पॉलिसी. इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिगार्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. मतलब प्रॉफिट तो हो गया ना, अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पॉलिसी होनी चाहिए इन रिगार्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी इज नीडेड फॉर हैविंग गुड एक्युमुलेशन ऑफ प्रॉफिट. अगर आप चाहते हैं कंपनी के पास गुड एक्युमुलेशन ऑफ प्रॉफिट हो, तो उसकी डिविडेंड पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव होनी चाहिए. बट दिस पॉलिसी अफेक्ट शेयर होल्डर एज दे गेट डिविडेंड एट अ लोअर रेट. बट इससे शेयर होल्डर्स पे अफेक्ट होता है कि उनको डिविडेंड लोअर रेट पे मिलता है. फोर्थ है हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल. अ गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है, एक रेगुलेटरी बॉडी होती है ओके. इट्स पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन एंश्योर्स दैट द कंपनी वर्क एज पर इट्स रेगुलेशन. उसकी पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन इस बात की श्योरिटी देते हैं कि कंपनी वर्क करेगी एज पर इट्स रेगुलेशन. कंपनी हैज़ टू फॉर्मूला इट्स डिविडेंड पॉलिसी. एक कंपनी को एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है अपने डिविडेंड पॉलिसी का इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट ने जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, तो कंपनी को अपनी डिविडेंड पॉलिसी उसके अकॉर्डेंस में बनानी होती है ओके. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल. एक शॉर्ट नोट है, बहुत छोटा सा है, आप देख सकते हैं. बोरोड कैपिटल और ओन्ड कैपिटल का एक डिस्टिंग्यूश है लास्ट में, तो वहाँ पर भी 7 points बहुत अच्छे से दे रखे हैं. जो शॉर्ट नोट के लिए वो 7 points काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो मैं यहाँ से पैराग्राफ ना लेते हुए बाद में मैं वहाँ से आपको शॉर्ट नोट डिस्टिंग्विश बिटवीन ले लूँगा, जिससे आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेंगे ओके. नेक्स्ट हमारा अब आ रहा है डिबेंचर ओके. डिबेंचर्स, डिबेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल को रेज करने का एक प्रिंसिपल सोर्स है डिबेंचर्स ओके. जैसे आपके शेयर्स होते हैं वैसे ही आपके डिबेंचर्स होते हैं ओके.
टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड, ताकि आपके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा किया जा सके। डिबेंचर्स की दो डेफिनेशंस आ रही है, हम पाल्मर की ले लेते हैं कि अ डिबेंचर एज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर सी एविडेंसिंग, किस बात का एविडेंस होता है डिबेंचर के डेप्थ, द एसेंस ऑफ इट्स बीइंग एडमिशन ऑफ इनडेप्टनेस, मतलब कंपनी ने आपसे कुछ अमाउंट लिया है तो इसका एक एविडेंस डेप्थ होता है। इसके फीचर्स क्या हैं? नंबर वन, प्रॉमिस, डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी, ये डिबेंचर एक कंपनी का प्रॉमिस है कि उस कंपनी ने आपसे कुछ सम ऑफ मनी है, मैं ऊपर बता रहा था ना, ली है, ठीक है ना, टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर्स। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली हाई होती है, 100 होती है या मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स होती है, ओके। टाइम ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेटेड, मतलब जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो उसकी ड्यू डेट वहाँ पर स्टेट होती है डिबेंचर सर्टिफिकेट में। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन मेच्योरिटी डेट, और जब वो डेट मेच्योर्ड हो जाती है, वो डेट पूरी हो जाती है, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर रीपे किया जाएगा। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी, जी हाँ, अगर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर कैपिटल हो रहा है तो पहले डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा ओवर द अदर क्लेमेंट्स, बाकी क्लेमेंट्स को बाद में दिया जाएगा, पहले डिबेंचर होल्डर को। अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, अ डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेब्ट, दे कैरी एन अश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म डेब्ट है और कैरी करता है एश्योरेंस किस चीज़ का, कि ड्यू डेट पर रीपेमेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट, अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड इज पेड पीरियोडिकली, मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है वो पीरियोडिकली दिया जाता है, चाहे वो 3 मंथ्स पे हो, मंथली हो, हाफ ईयरली या ईयरली। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करना है ये किसी भी कंपनी की एक फिक्स्ड लाइबिलिटी है, इट मस्ट बी पेड बाय द कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट कंपनी को पे करना है, ओके, इंटरेस्ट। 7th पॉइंट हमारा पार्टीज टू डिबेंचर्स, ओके, कौन कौन होता है इसके अंदर, जैसे कंपनी है, दिस इज द एंटिटी विच बोरो मनी, ये मनी बोरो करती है, मतलब कंपनी वो एंटिटी है जो बोरो करती है मनी को, ओके। ट्रस्टी, अ कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, हर कंपनी को एक डिबेंचर ट्रस्टी बनाना पड़ता है जो ऑफरिंग डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल अगर है, मतलब द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टीज, दिस इज नोन एज ट्रस्टी, और कंपनी एक एग्रीमेंट करती है ट्रस्टीज के साथ, इसे ट्रस्ट डीड कहते हैं। 3rd पार्टी है डिबेंचर होल्डर, एक थी कंपनी खुद, एक ट्रस्टीज और एक होता है डिबेंचर होल्डर, दीज आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव्स डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस, मतलब दीज आर द पार्टीज, ये वो पार्टीज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं लोन और रिसीव करती हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट, इन शॉर्ट जो डिबेंचर लेता है, परचेज करता है, उसी को डिबेंचर होल्डर कहते हैं। 8th पॉइंट हमारा अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 179(3) के हिसाब से द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ द पावर टू इशू डिबेंचर्स, कौन इशू करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिबेंचर्स इशू करते हैं। 9th पॉइंट हमारा स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है, ठीक है, जैसे डिबेंचर होल्डर एक कंपनी के लिए क्रेडिटर की तरह है कि उसने कुछ अमाउंट दिया है, इन डेप्टनेस डेफिनेशन में वर्ड आ चुका है। सीन्स डिबेंचर एक लोन है जो कंपनी ले रही है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इट एट फिक्स रेट, इसलिए फिक्स रेट फिक्स इंटरवल टाइम पे, इंटरेस्ट पेबल ऑन इट एट अ फिक्स रेट, इंटरेस्ट पेबल होगा एट अ फिक्स रेट और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, अंटिल जब तक डिबेंचर रिडीम ना हो जाए। नो वोटिंग राइट,
अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 71(2) ऑफ द कंपनी एक्ट ऑफ 2013, कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती डिबेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट, मतलब कोई भी वोटिंग राइट वाला डिबेंचर नहीं दे सकती कंपनी, इशू नहीं कर सकता डिबेंचर, इशू नहीं कर सकती कंपनी. डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और जो जर्नल मीटिंग ऑफ द कंपनी होती है उसमें भी वोटिंग का राइट नहीं होता है. सिक्योरिटी, डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड होते हैं बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी. अगर कोई कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कर सके, तो डिबेंचर होल्डर उस कंपनी के प्रॉपर्टी का चार्ज रखता है अपने पास, और वो रिकवर कर सकता है अपनी मनी बाय सेलिंग दैट प्रॉपर्टी. इशूअर, डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों डिबेंचर इशू करते हैं. इशूअर, लिस्टिंग, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद एट लीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज के साथ डिबेंचर्स लिस्टेड होने चाहिए. ट्रांसफरबिलिटी, डिबेंचर्स कैन बी ईजिली ट्रांसफर्ड, मतलब डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी है, ये ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब आ रहा है आपको लास्ट टॉपिक आज का, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. जैसे आपने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, ऐसी नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन. पहला आ रहा है सिक्योर्ड डिबेंचर, वो डिबेंचर जो सिक्योर्ड है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी, मे बी चार्ज एज सिक्योरिटी. मैंने बताया ना कि सिक्योर डिबेंचर मतलब जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन है. ओके, अगर इन केस कंपनी अगर रिटर्न नहीं करती है तो सिक्योर डिबेंचर के अंदर डिबेंचर होल्डर उसको सेल करके प्रॉपर्टी को अपना रिकवरी कर सकता है. द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड, इसके लिए डीड बनाई जाती है. नॉर्मली डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट. अनसिक्योर डिबेंचर मतलब इसमें डिबेंचर की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है. इश्यू ऑफ अनसिक्योर डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड, लेकिन अब ये प्रोहिबिटेड है यानी मना है, अब ये नहीं होता है बाय द कंपनी एक्ट ऑफ 2013. थर्ड पॉइंट है हमारा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर ऑन विच नेम ऑफ द होल्डर्स आर रिकॉर्डेड, मतलब इसके अंदर जो डिबेंचर होल्डर उसका नाम रिकॉर्डेड होता है, इसे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर कहते हैं. नेम होता है, एड्रेस होता है, पार्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स होता है, ये सारी चीज़ें एंटर्ड होता है. तो जहाँ भी इन शॉर्ट डिटेल्स ऑफ डिबेंचर होल्डर मेंशन होती है, एंटर्ड होती है, वो उसका रजिस्टर्ड है. बेरर डिबेंचर्स क्या होते हैं, नेम ऑफ द होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड, इसमें कौन होल्डर है इस डिबेंचर का उसका नाम मेंशन नहीं होता है. देयर नेम्स डू नॉट अपीयर, वो दिखते नहीं, अपीयर नहीं होते. सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयरली डिलीवरिंग, मतलब बाय डिलीवरी ही वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मींस ऑफ कूपन्स, और इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट कूपन्स के थ्रू हो जाएगी. फिफ्थ हमारा आ रहा है रिडीमेबल डिबेंचर्स, वही आ चुका है पहले, वो डिबेंचर्स जो रिडीम होते हैं, जो पे बैक होते हैं आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जिनकी रीपेमेंट हो जाती है किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद, या इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ये सब आपके रिडीमेबल हैं. और इसी के अपोजिट इररिडीमेबल क्या है, इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जो पे बैक नहीं होते या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी रीपेमेंट नहीं होता है. ये रीपेबल कब होंगे, ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी ख़त्म हो रही है, वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो रिडीम होंगे, वरना तब तक नहीं होंगे. ओके, अगर कोई कंपनी कुछ ब्रीच करती है किसी कंडीशन को, यानी कोई लॉ को ब्रेक करती है, तोड़ती है, ठीक है ना, लिमिट क्रॉस करती है, ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन व्हेन सम कंटिंजेंसी अराइजेस, ये केसेस है तो होगा. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वही जैसे कन्वर्टेबल शेयर्स आया था प्रेफरेंस, ऐसे डिबेंचर आ रहा है. जी हाँ, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स गिव राइट टू द होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स
वो डिबेंचर्स हैं जो राइट देते हैं अपने होल्डर को कि वो अपने डिबेंचर को आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में. सच राइट इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. अगर ऐसा है तो डिबेंचर सर्टिफिकेट में ये बातें मेंशन होती हैं. डिबेंचर्स आर एडवांटेजियस. द डिबेंचर्स आर एडवांटेजियस फॉर द होल्डर. ये एडवांटेजियस होता है, एडवांटेज होता है टू द होल्डर. बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ राइट कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू शेयर इक्विटी शेयर्स. तो इसका बेनिफिट ले सकता है ना कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो कन्वर्ट कर सकता है. तो ये ऑप्शन अवेलेबल है तो ही तो. और वहीं उसका अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो वही उसका अपोजिट लिखा हुआ है कि वो कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में नहीं कर सकता है. डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन मेच्योरिटी डेट. जब मेच्योरिटी होगी तभी आपको डिबेंचर का बेनिफिट या रिटर्न बैक जो मिलना है रिडीम मिलेगा, अदरवाइज आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते. दिस डिबेंचर सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट देर इज़ नो एप्रिसिएशन इन द वैल्यू. ये डिसएडवांटेज है ऐसे डिबेंचर होल्डर को जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स रखते हैं कि देर इज़ नो एप्रिसिएशन. इसमें कोई एप्रिसिएशन नहीं है, कुछ इंक्रीमेंट या इंक्रीज नहीं है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एस पी पार्ट टू लेसन नंबर टू, जिसकी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है शायद, बट नो प्रॉब्लम, आप इसे कवर करें, बड़ा लेसन है. लेट्स सी कि मैं इसको 3 या 4 वीडियोज़ में कवर करेंगे. इनकेस कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. मैंने बहुत अच्छे से हेडिंग्स के साथ साथ कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, कुछ लाइंस अंडरलाइन किए हैं, आप भी इसको देख के नोट्स बना सकते हैं. ओके, थैंक यू.